पूरा देश सफाई और गंदगी को लेकर स्वच्छ भारत सुंदर भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत बढ़नी में गंदगी जगह जगह देखने को मिल रही है। सीमावर्ती नेपाल देश से सटे इस नगर पंचायत की नालियों में गंदगी व जल जमाव, पानी निकास न होने से जल जमाव देखने को मिला। बता दें कि बढ़नी बाजार में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। यहाँ के नेता गंदगी पर ध्यान देने के बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और सफाई पर सिर्फ जुबानी जंग और अधिकारियों की लापरवाही बताकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। देखिए भाई साहब, ये बढ़नी नगर पंचायत बहुत ही महत्वपूर्ण नगर पंचायत हमारे सोहरगंज विधानसभा का है और ये बढ़नी कृष्णा नगर इंटरनेशनल प्लेस है। जब यहाँ से जिम्मेदारी हमको मिली है, अब ये महानुभावों ने यहाँ जब हमें मौका दिया है, तो हमने इसके साफ सफाई के लिए, व्यवस्था के लिए, सुंदरीकरण के लिए नगर विकास में यहाँ की वस्तुस्थिति से अवगत कराया है अपने स्तर से। बीच में तब तक नगर पंचायत का चुनाव आ गया। नगर पंचायत के चुनाव आने पर पूर्व में जो व्यवस्थाएं थी, हमसे पूर्व में थी, जो चेयरमैन थे, ईओ थे, वो इस हाल को बदहाल कर दिए। इसकी दशा, इस नगर पंचायत की दशा एकदम बिल्कुल दयनीय कर दिया उन लोगों ने। सिर्फ लूट खसोट मचाया। चुनावी समर में रिजल्ट परिणाम आया तो दूसरे नए चेयरमैन हुए और अभी हाल ही में ईओ की तैनाती यहाँ नहीं थी। मुझे लगता है कि ईओ की कुछ कमी थी। हमने मांगा भी था माननीय खन्ना साहब, जो हमारे नगर विकास मंत्री हैं, मैंने उनसे निवेदन किया था, लिख के दिया भी हूँ कि यहाँ ईओ है नहीं हमारे दोनों सोहरगढ़ में और बढ़नी में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इधर जो है व्यवस्था करा करके, कुछ कमी है ईओ की, अपॉइंटमेंट हो रहा है तो मैं भेजूंगा। तब तक अतिरिक्त चार्ज में, एडिशनल चार्ज पे डुमरियागंज और सिद्धार्थनगर वाले ईओ को लगा दिया उन्होंने, लेकिन अतिरिक्त चार्ज में मुझे लगा कि लापरवाही उन सबने बीच में किया। अगर समय से पहले नाले व गंदगी की सफाई नहीं हुई तो यहाँ के नागरिकों को जानलेवा बीमारी हो सकती है। पेश है सिद्धार्थनगर यूपी से दीप कुमार यादव की एक रिपोर्ट। बड़ी सोचने की विषय है जो यहाँ पर नालियाँ भरी पड़ी हुई है, ये हमारे नगर पंचायत के कार्यकाल में हो रहा है। उनको ये चाहिए कि हमारे बढ़नी नगर पंचायत को साफ सुथरा बनाने के लिए वो अथक प्रयास करें, जो उनसे नहीं हो पा रहा। अब यहाँ की जनता को ये सोचने का विषय है कि इसको, इससे निजात पाने के लिए क्या किया जाए। या तो धरना प्रदर्शन किया जाए इस नाली के विरुद्ध स्वच्छ अभियान के लिए, या तो फिर कुछ ना कुछ तो भाई सोचना पड़ेगा ही साफ सफाई के लिए। जैसा कि मोदी जी का स्वच्छ अभियान चल रहा है, इसके तहत हमारे देश में उनके पद कोई कार्य दिख नहीं रहा।